नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में अफगानिस्तान, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, पूछा मैं याद आ रहा हूँ, बाइडेन को बताया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दहेज के लिए हैवान बना पति, पत्नी के बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, फिर बेरहमी से की पिटाई, मौत। उत्तर प्रदेश के महुआ में छेड़छाड़ की शिकार महिला को आरोपी के घर वालों ने जिंदा जलाया, तनाव के चलते गांव में पुलिस फोर्स तैनात। प्रेमी की पिटाई पर नाबालिग लड़की ने उठाया खौफनाक कदम, कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवा दी पिता की हत्या। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला। मोदी सरकार के ओबीसी कार्ड का जवाब देने की तैयारी, जातीय जनगणना की मांग को और तेज करेगा विपक्ष। मेघालय में उग्रवादी समर्पण करने वाले उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद हिंसा। शिलोंग में कर्फ्यू, 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। दिल्ली राजधानी के जागीरपुरी में सब्जी बेचने के विवाद, 2 गुटों में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग, 3 राहगीर समेत 4 घायल। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में फर्जी आईएएस अफसर समेत 2 गिरफ्तार, रेलवे में नौकरी के नाम पर की थी करोड़ों रुपए ठगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले आए सामने, नहीं हुई किसी मरीज की मौत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।